दोस्तों, अगर हमारी पृथ्वी फ्लैट होती तो क्या ग्रेविटी होती? क्या फिर दिन रात होता? सीजन क्या ऐसे ही चलते जैसे अब चलते हैं? अगर अर्थ फ्लैट होती तो क्या पृथ्वी पर जीवन की परिस्थितियां आज की तरह ही मौजूद होती? तो आइए जानते हैं आज की इस रोमांचक वीडियो में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सारे प्लैनेट्स गोल ही क्यों होते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। सारे ग्रह सूरज से अलग अलग दूरी पर हैं। कुछ ग्रह छोटे और पथरीले हैं तो कुछ बहुत बड़े और गैस के बने हुए हैं। लेकिन इनमें एक समानता है कि ये सारे प्लैनेट्स गोल हैं। लेकिन ये गोल ही क्यों हैं? क्यूब, पिरामिड या डिस्क की शेप के क्यों नहीं हैं? तो इसका जवाब है ग्रेविटी। स्पेस में जब पदार्थ एक दूसरे से टकराते हैं तो वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स की परिक्रमा करते हैं और इसके आसपास जितने भी एस्टेरॉयड, गैसें और धूल के कण होते हैं वो सभी इसके अंदर समा जाते हैं और एक नए ग्रह का निर्माण होता है। प्लैनेट की ग्रेविटी सभी तरफ से पदार्थों को समान रूप से अपने अंदर खींचती है, जिसके कारण प्लैनेट की शेप गोल होती है। लेकिन दोस्तों, अब जरा कल्पना कीजिए, अगर हमारी पृथ्वी गोल ना होकर फ्लैट होती तो क्या होता? अगर ऐसा सच में होता तो प्लैनेट की ग्रेविटी इसके सेंटर में बहुत पावरफुल होनी थी, इसलिए धरती के ऊपर की सभी चीज़ें इसके सेंटर में इकट्ठी हो जानी थी। अगर आप सेंटर से दूर किनारों की तरफ जाने की कोशिश करते तो आप ऑटोमेटिकली सेंटर की ओर खींचे चले आते। ये बिल्कुल ऐसा अनुभव होता जैसे आज हम एक सीधी पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करें। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम कभी किनारों तक पहुंच ही नहीं पाते, लेकिन अगर किसी तरह किनारों तक पहुंच भी जाते तो किनारों के आगे खुले अंतरिक्ष में गिर जाते और कुछ ही मिनी सेकंड्स में अपनी जान गंवा लेते। फ्लैट अर्थ पर ग्रेविटी की वजह से सारा पानी इसके सेंटर के आसपास के इलाके में ही मौजूद होता और पेड़ पौधे भी इसी जगह होते। सेंटर से थोड़ी दूरी पर अगर कोई पेड़ उगता भी तो वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से सेंटर की ओर झुका हुआ होता। ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से इंसान की बॉडी का ढांचा भी थोड़ा अलग होता। इंसान का शरीर बहुत भारी और मजबूत होता। अब ज़रा सोचिए कि स्पेस में फ्लैट अर्थ क्या सूरज का चक्कर लगा पाती? अगर लगाती तो कैसे लगाती, क्योंकि अर्थ के सिर्फ एक तरफ सरफेस होने की वजह से ये गोल नहीं घूम पाती। अगर अर्थ अपने सरफेस की उल्टी साइड से सन के चक्कर लगाती तो सरफेस पर बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से शायद यहाँ जीवन कभी पनप ही नहीं पाता। और अगर अर्थ अपने सरफेस को सन की तरफ करके चक्कर लगाती तो सूरज की लाइट हमेशा अर्थ पर पड़नी थी, जिससे पृथ्वी के सरफेस का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाना था और जीवन की सभी संभावनाएं खत्म हो जानी थी। ऐसी सिचुएशन में ना दिन होना था और ना रात होना था और ना ही कोई टाइम होना था। लेकिन एक तर्क ये भी है कि शायद इंसान का शरीर इस गर्मी को झेलने लायक बन जाता और जीवन पनपने लगता। अगर ऐसा होता तो इंसान की परछाई हमेशा एक ही दिशा में रहती, क्योंकि अर्थ एक जगह पर स्टेबल थी और अर्थ पर बनी किसी ऊंची इमारत को बहुत दूर से भी देखा जा सकता था। अगर ये कल्पना हकीकत होती तो आज के इंडिया, अमेरिका और बाकी सभी देशों का कोई वजूद ही नहीं होता और धरती पर रहने के लिए आज के मुकाबले 5 गुना से भी कम जगह होती। अगर अर्थ फ्लैट होती तो शायद इसका एटमॉस्फेयर भी ना होता, जिससे सूरज की खतरनाक किरणों से जीवन बहुत प्रभावित होना था। या फिर ये भी हो सकता है कि अर्थ के एक जगह टिके रहने के कारण सूरज इसे जलाकर आग का गोला बना देता और जीवन का कोई नामो निशान ही ना होता। खैर दोस्तों, ये तो महज एक कल्पना है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। लेकिन आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।